हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एचटीएमएल में इमेज टैग के बारे में। किसके बारे में? इमेज टैग के बारे में। जैसा कि अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, इमेज लगा रहे थे। और इमेज किस में लग रहा था? बैकग्राउंड में लग रहा था ना। इमेज किस में लग रहा था? बैकग्राउंड। लेकिन अब हमको क्या करना है, जैसे कोई कंटेंट आप लोग लिखते हैं ना, तो उस कंटेंट का आपको इमेज लगाना, क्या करना हुआ? इमेज लगाना। तो उस इमेज को आप कैसे लगाएंगे, तो आज की क्लास हम लोग वही जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आना होगा ब्राउजर। जैसे हम ये कहें, आपने जो टाइप किया ना, इन सबको फिलहाल अभी हटाइए। कहाँ तक दिए हैं? बॉडी के अंदर, यहीं तक ना, हटा दिए। और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं H1, और H1 के अंदर हम हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटर। क्या दे दिए? कंप्यूटर कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर यहाँ आ करके एक हम दे देते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ हम कंप्यूटर के बारे में लिखते हैं। जैसे समझने के लिए हमने दिया क्या, लोरेम। क्या दे दिए? लोरेम। और कंट्रोल यस से क्या कर लिए? सेव। और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं आउटपुट। अब आपको दिखाई दे रहा है ना कंप्यूटर, और इसका से कंप्यूटर का डेफिनेशन दिख रहा है ना। हम चाहते इसके बीच में या इसके नीचे हम कंप्यूटर का इमेज लगा सके। क्या कर सके? कंप्यूटर का इमेज लगा सके। तो कंप्यूटर का इमेज लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, जिस लोकेशन पे आपने फोल्डर बनाया है ना, उस फोल्डर के अंदर आपको इमेज रख लेना होगा। तो हम लोग का लोकेशन कहाँ पे है? डी ड्राइव HTML 1.3 नाम से फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद हम एक फोल्डर बना लिए, जैसे हम पिछली क्लास में बनाए थे ना। तो इस बार हमको कंप्यूटर का इमेज रखना है ना। ब्राउजर पेज पे गए और यहाँ सर्च कर लेते हैं कंप्यूटर इमेज। क्या सर्च कर लेते हैं? कंप्यूटर इमेज। और फिर हमको जो इमेज चाहिए हम उस पर क्या कर दिए, राइट क्लिक। क्या कर लिए? राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने से क्या कर लिए? सेव इमेज इज। और सेव इमेज इज करने के बाद से हमारा लोकेशन कहाँ है? डी ड्राइव। और डी ड्राइव के अंदर HTML 1.3 इस इमेज फोल्डर के अंदर रखना है ना। किस नाम से देना है आपको? किस नाम देते हैं? कंप्यूटर। क्या दे दिए? कंप्यूटर। और कंप्यूटर के पास क्या कर लिए? सेव। आपको और भी कोई इमेज लगाना, जैसे आप इसका से माउस के बारे में लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए माउस। ये वाला माउस है ना, इस वाले माउस के बारे में लिखना है ना। हाँ, इस वाले माउस के बारे में लिखना है। हाँ, ये ले लेते। राइट क्लिक, सेव इमेजेज। और इसी फोल्डर के अंदर माउस नाम से हम इसको क्या कर लिए? सेव कर। हो गया। कीबोर्ड नाम से भी आपको लिखना है, एक और डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा? एक चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो भी आपको इमेज लगाना है, वो इमेज आपको उस फोल्डर के अंदर पहले रख लेना होगा। आ रहा है समझे ना? तो हमको कीबोर्ड रखना था, तो हम कीबोर्ड का इमेज यहाँ से क्या कर लिए? सेव कीबोर्ड का कर। इसका क्या नाम देना है? गिफ्ट। और यहाँ से क्या कर लिए? चलिए, इतना ही सेव करके हम आ जाते। इसमें कंप्यूटर का इमेज लगाना है ना, तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पेज नंबर कितना पे दिया है, 11 पे दिया है ना। इमेज HTML में इमेज लगाने के लिए, यानी कि जब आप कोई कंटेंट बना रहे हैं और उस कंटेंट में यदि आपको एक बिल्कुल आकर्षक, और जब आप अपने वेब पेज को बना रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इमेज लगाना होगा ना, कहीं लोगो लगाना हुआ या कहीं इमेज लगाना हुआ, तो इन सब के लिए क्या करना होगा, तो आपको एक सिंटेक्स देना पड़ता है। जो सिंटेक्स आपको 12 नंबर पेज पे दिखाई देगा सबसे ऊपर, सिंटेक्स क्या दे रहा है? इमेज। इमेज के अंदर SRC, और SRC के बाद से इमेज URL दिया है, और फिर एट्रीब्यूट लिस्ट दिया है। मतलब क्या समझिए, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बीच में इमेज लगाना चाहते हैं, तो कहाँ चले जाएंगे? बीएस। और जहां हमारा H1 क्लोज हुआ है उस पे इंटर करें। तो सिंटेक्स हमको क्या देना है? IMG इमेज सोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज।
एस आर सी का मतलब होता है सोर्स। एस आर सी का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा सोर्स देना चाहते हैं इमेज में। तो फोल्डर का नाम हमने क्या दिया था, क्या दिए थे, आई एम जी, फोल्डर के ही नाम था ना। इस फोल्डर के अंदर आपको कौन सा लगाना है, कंप्यूटर वाला सेलेक्ट करिए और कंट्रोल ए से क्या, कंट्रोल एस से क्या करिए सेव, और कहां पे आ जाइए, तो क्या आपको एक कंप्यूटर का इमेज अब दिखाई दे रहा है वेब पेज पर, दिख रहा है ना। लेकिन एक चीज और है इसमें, आपको इसके साथ साथ एक अल्ट भी तो दिखाई दे रहा था ना। इस अल्ट का फंक्शन क्या है, जैसे कई जगह आप लोग वेब पेज पे जाते हैं ना तो बराबर इंटरनेट नहीं चलता, तो कभी हम कोई साइट सर्च करते हैं ना तो इमेज रहता है ना, तो इमेज लोड नहीं हो पाती, उसका नाम लिख के आ जाए। जैसे अगर जो अभी हम इमेज आउटपुट में देख रहे थे, इमेज दिखाई दे रहा है ना, इमेज का नाम गलत कर देते हैं दिखाई देगा ना। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ शब्द जोड़ दिए, आप इस नाम से हमारे पास कोई इमेज नहीं है, लोड नहीं लेगा ना, कंट्रोल या से सेव किए और आउटपुट में आ गए। अब आपको कोई इमेज दिखाई दे रहा है, कोई भी इमेज, लेकिन इमेज के लिए जगह तो है ऊपर, कुछ दिखाई दे रहा है। तो अल्ट में गए और अल्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे डाल दिए कंप्यूटर और कंट्रोल या से क्या कर लिए सेव, अब आउटपुट में आइए तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि आपका कंप्यूटर का इमेज लगा हुआ है, कंप्यूटर का इमेज लगा हुआ है, आपका इमेज प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आया है। और यदि आपका इमेज प्रॉपर लोड हो गया तो, इमेज यदि प्रॉपर लोड हो गया तब यहाँ पे क्या आएगा आपका, अब आ रहा समझे ना। मतलब क्या इसका, कि जब हम किसी वेबसाइट बनाते समय यदि कोई इमेज लगाते, आ रहा समझे ना, तो हम कर क्या रहे हैं कि कहीं अब कोई जरूरत नहीं है कि हमारा इंटरनेट फास्ट लगवा दो, चल के फास्ट ही चलेगा, कभी स्लो होगा ना, जब स्लो होता है हमारा साइट बार बार लिखता है कुड नॉट बी रीच, देखिए आप लोग ना, तो कोई लोगो लगा रहता है तो वहाँ ऐसे जैसे फोटो का इधर तरह सिंबल आया और आगे हमारा नाम लिखा हुआ है, आ रहा समझे ना, तो वही नाम दिखाई देगा जो आप अल्ट के अंदर लिखेंगे। जैसे फिर से एक बार हम क्या किए, यहाँ पे हम इस नाम को थोड़ा सा गलत कर दिए, इस नाम से कोई इमेज नहीं है ना, कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए सेव और आउटपुट में चले गए। अब कंप्यूटर दिखाई दे रहा आपको, अच्छा इस कंप्यूटर को यदि हम हटा दें यहाँ से तो दिखाई देगा, फोटो तो आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अगर हम कुछ दूसरा कुछ टाइप कर दे ऐसे और कंट्रोल ऐसे क्या कर ले सेव, अब वही दिखाई दे रहा है ना, यानी कि ये आपके पेज को बताता है कि यहाँ पर आपका किस चीज का इमेज लगा हुआ है। हाँ किसी कारण से लोड नहीं हो पाया वो अलग की बात है, लेकिन लोड नहीं हो पाएगा तभी ये काम करेगा, लोड हो जाएगा तो ये काम करने वाला नहीं। जैसे अब हम यहाँ पे क्या नाम लिखे थे, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखे थे ना, और सेव कर ले रहे हैं, इमेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख आ रहा कंप्यूटर का इमेज लगा हुआ है, हम ये समझ आए हाँ इमेज तो लगा हुआ लेकिन किस चीज का, कंप्यूटर। और यही हम इसको हटा नहीं रहे, बस अपने कंप्यूटर का मीनिंग सही कर दे रहे हैं, अब प्रॉपर लोड कर ले जाएगा ना, सेव कर लिए और आ जाइए आउटपुट में, कुछ चेंजिंग दिखा, कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे पहले यदि आपको कहीं इमेज लगाना होगा तो इमेज के लिए क्या लगाना है, आई एम जी, आई एम जी का मतलब इमेज और एस आर सी का मतलब सोर्स, कि आप कहां से सोर्स लगाना चाहते हैं वो सोर्स लगाए, आ रहा समझे ना। और उसका कह रहा अल्ट, अल्ट का मतलब है कि यदि आप आपका जो इमेज है ब्राउजर में प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर लोड नहीं हो पा रहा है, तो क्या नाम लिख के आना चाहिए, वो आप किसके अंदर लिखेंगे, अल्ट के अंदर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, ये थोड़ा सा नोट करना हो तो नोट कर लिया। एस आर सी का मतलब हो जाएगा सोर्स, और अल्ट का काम क्या है कि इमेज ब्राउजर पे आउटपुट में यदि आपका इमेज लोड नहीं होता है तो वो नाम लिख करके आएगा जो आप अल्ट में नाम दे। ऐसे अपने शब्दों में नोट कर लीजिए, कुछ हो जाएगा। तो पहले हमने क्या क्या दिया, कंप्यूटर, उसके बाद से अब इसके बाद से आपको देना है नीचे अगला एक और, जैसे हम देना चाहते हैं कौन सा, कीबोर्ड का, पहले हम एच टू लिखे और इसके अंदर लिख लिया कीबोर्ड,
और कीबोर्ड के बाद हम यहाँ बना लेंगे क्या, पहले img सोर्स ही लगा लीजिए। यहाँ दे दिए img फोल्डर, फोल्डर के अंदर कीबोर्ड, और अल्ट में दे दिए हम क्या ना कीबोर्ड कीबोर्ड क्या, ये इमेज है कीबोर्ड डाउनलोड करके फोल्डर में रखे हैं, जिस फोल्डर में अपना ये फाइल सारा रखे हुए। और आखिरी में जाकर हम यहाँ लगा लेंगे पैराग्राफ, और यहाँ क्या लिख लेंगे लोरेम। कंट्रोल या सेम सेम, और अब आउटपुट में आइए। अब आपको कीबोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा ऐसे बनाना, कोई दिक्कत। एक चीज और, आप लोग हेडिंग का कलर कर ले जाएंगे ना, पैराग्राफ का कलर, और जिसका भी कलर करना हो सिंपल है, बस सीख करके बता दे, बाकी सब पे कर ले जाएंगे ना। क्या करना होगा इसके लिए, आपको H1 करना है ना, H1 के अंदर क्या लगाएंगे हम, स्टाइल, स्टाइल के पास क्या लिखेंगे कलर, कलर हमने कर दिया रेड। कंट्रोल या सेव, सेव आउटपुट हो जाएगा। और पैराग्राफ का करना हो तो पैराग्राफ के अंदर क्या लगाएंगे, स्टाइल क्या लिखेंगे, कलर कौन सा, एक्वा। कंट्रोल या सी, उसके बाद सी आओ हाँ। हो जाएगा। अब ऐसे सब पे लगाते हैं, अलग अलग जो भी आपको लगाना है ये लगा ले जाएंगे ना। जो भी बैकग्राउंड कलर करना है बैकग्राउंड कलर लगाइए, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब हम आते हैं किस पर, तो इसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा अगला वाला, सेट इमेज लोकेशन। क्या दिखाई दे रहा होगा, सेट इमेज लोकेशन, कि आपको अपने HTML का लोकेशन चेंज करना है। लोकेशन का मतलब क्या, ये जो आपने कंप्यूटर का इमेज लिखा है ना, लगाया है ना, ये कंप्यूटर का इमेज आपका कहीं सेंटर में हो या कहीं आपका किधर हो, राइट साइड, आ रहा समझे ना। उसके लिए आपको आना होगा VS कोड में, और जहां पे आपने इमेज सोर्स लगाया है ना, इसी के अंदर आप लगा लीजिए एलाइन। क्या लगा लीजिए, एलाइन हम कर दिया सेंटर, क्या कर लिए, और कंट्रोल या सी, और आगे कहां पे आउटपुट वाले क्वेश्चन जी, नहीं कौन से किस में लगाया, माउस माउस वाले में लगाया है ना। नहीं गलत नहीं, एलाइन, और एलाइन में इस, चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग इस सेंटर को हटा के और पहले राइट करके चेक कर लेते हैं, और कंट्रोल या सेव, सेव, और आते हैं कहाँ पे, राइट वाला काम कर रहे हैं, दिख रहा है ना। आपको बीच में क्या लगाना होगा यहाँ पे, कि जहां पे आपने इमेज SRC लगाया और अल्ट ना, तो आपको लास्ट में क्या लगाना होगा, एलाइन, और एलाइन में जैसे हमने क्या दे दिया राइट। अब यदि इसका लगाना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एलाइन इक्वल टू, और इसमें लिख लेंगे फिर से राइट, और इसको सेंटर कर दें। चलो और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेम नहीं होगा शायद, नहीं होगा, इसको भी हम उधर ही कर लेते हैं राइट साइड में, क्योंकि अधिकतर सेंटर में कहीं रहता नहीं है, कहाँ रहता है राइट। कंट्रोल या सी सेव, अब ये भी इमेज कहाँ चला जाएगा। अब ऐसा क्यों दिख रहा है कि पास दोनों, क्योंकि इसका भी साइज बड़ा है और इसका भी साइज बड़ा है, आ रहा समझे ना। तो ये तो इमेज लोकेशन चेंज करने के लिए हो गया। तो अगला आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सेट इमेज विथ या हाइट, कि अब आपको क्या करना है, कि अपने इमेज का हाइट और विथ जो है वो सही करना, आ रहा समझे ना। तो हाइट और विथ सही करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले हम आ जाएंगे VS में, और जहां पे आपने एलाइन लिखा है ना, यहाँ पे स्पेस करिए और लगा लीजिए यहाँ पे विथ। पहले क्या लगाइए, विथ में आप दे दीजिए 100 पिक्सल, और जस्ट इसके बाद से लगा लीजिए हाइट, क्या लगा लीजिए
और हाइट में भी आप दे दीजिए 100 पिक्सल, और कंट्रोल या से सेव, और आ जाइए आउटपुट, छोटा हुआ इमेज आपका हो जाएगा ना। और इसका चेंज करना हो तो फिर कहाँ जाएंगे, वीएस कोड, और वीएस कोड में आने के बाद से यहाँ पे आपको लगा लेना होगा क्या, तो पहले आपको लिखना होगा विथ, विथ यानी कि आपको कोई जरूरी है कि हम 100 ही देंगे, जितना साइज आप रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हम और छोटा करना चाहते हैं 10 कर लीजिए, 10 इमेज कैसे दिखेगा जी, पहचान कर ले जाएंगे आप लोग ना, तो आप लोग इंटेलिजेंट है, पहचान करिए किस चीज का इमेज है, दिख रहा है हाँ, पहले देख लिया तो दिख जा रहा है इस समय। अब आपको जितना साइज करना उतना साइज से भर ले जाएंगे ना, लेकिन आपको बिना स्पेस का पहले पिक्सल लिख लेना है, और ये पिक्सल नहीं लिखना चाहते तो आप परसेंटेज भी कर सकते हैं 100%, और यहाँ भी हाइट भी क्या कर लीजिए 100%, और कंट्रोल या सेव सेव। अब थोड़ा सा चेंजिंग देखिएगा, 100% के अंदर जितना डिस्प्ले का साइज होगा, हमारा बाय डिफॉल्ट 100 रहता है ना, 100 के हिसाब से अपना साइज मैनेज करेगा ना, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसमें जो 100 आप लिखे हैं ना, इसके साइज को कम करना हो, तो आप इसको कर लीजिए 10 और इसको कर लीजिए 10, कंट्रोल या से, कंट्रोल या से क्या करेंगे से, और फिर आज ये कहाँ पे आ गया, और इसका भी चेंज करना हो तो ये लगा रहे थे ना, इसम कर लेते हैं 100 पिक्सल, और अगले वाले में कर लेते हैं हाइट, हाइट का पहले HEIGHT लिखेंगे, और फिर क्या करना है 100 पिक्सल, कंट्रोल या से सेव, उसके बाद से आ गया इसके सामने, इसका भी हम वही रख लेंगे, तब फिर किसमें जो परसेंटेज है परसेंटेज घटा किसमें रख लेंगे पिक्सल, 10 पिक्सल नहीं रहेगा ना, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल आंखें ऊपर कर ऐसे करके देखना हो तब सही रहेगा ना, कंट्रोल या से सेव, अब आ जाइए आउट, अब क्लियर है ना, ये आपका किसका इमेज है कंप्यूटर, और ये आपका किसका इमेज है, वैसे यदि कीबोर्ड का करना हो तो सेम वही तरीका, पहले कहाँ आएंगे वीएस, वीएस कोड में, और इसके बाद से आपको क्या लिखना हो पहले एलाइन, एलाइन में क्या लिखना है राइट, राइट के बाद से आपको क्या लिखना है विथ, विथ कितना देना है 100 पिक्सल, और फिर आपको क्या देना है हाइट, हाइट आपको क्या देना है 100 पिक्सल, कंट्रोल या से सेव, हो जाएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें कर ले जाएंगे आप लोग इतना। अगला बॉर्डर भी बता दें, अगला टॉपिक देखिए।